guys, so we are traveling to Nepal. Actually, we are going to Pokhara from Gorakhpur, and it's a road trip. It's going to be a fun trip, hopefully. So stay tuned, I'll keep updating you guys. यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे हमें बॉर्डर सोनौली बॉर्डर पहुँचने में. वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है परमिट बनवाने में, एंड देन वील एंटर नेपाल. एंड सिंस इट्स मानसून सीज़न तो वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता कब बारिश हो जाए, बट देन टू वी आर रियली गियर्ड अप टू एन्जॉय दिस ट्रिप. सोनौली बॉर्डर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रुक के हमें परमिट बनवाना होता है. अगर आपको कोई सिम कार्ड लेना है, बिकॉज इसके आगे आपका इंडियन सिम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो यहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो. परमिट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है, एंड इन सब में लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटा लग जाता है. हाय शनाया. हाय शनाया. So you met Dada after so many days. How are you feeling? You don't want to leave him, right? तो हमने परमिट बनवा लिया है. एक्चुअली यहाँ पे 2 परमिट बनते हैं, एक नेपाल एंटर करने के लिए एंड दूसरा रोड परमिट. तो नेपाल एंटर करने वाला परमिट बन चुका है और रोड परमिट बनवाने के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं RTO ऑफिस. एंड नेपाल में परमिट को भंसार बोलते हैं. शनाया, दिस इज योर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप बेटा. यू आर गोइंग टू नेपाल विद मामा एंड डैडा. हमने ये रिजॉर्ट सेलेक्ट किया है अपने नेक्स्ट 2 डेज ट्रिप के लिए, एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी गाइस. सो आप कभी भी अगर पोखरा प्लान कर रहे हो विजिट करने के लिए, डू चेक दिस प्लेस गाइस. एवरीथिंग इज सो अमेजिंग हियर. दिस रिजॉर्ट इज़ लोकेटेड ऑन लेक साइड विच एड्स अप टू इट्स ब्यूटी, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इस रिजॉर्ट से बाकी सारी चीज़ें जो एज अ टूरिस्ट हम यू नो सेलेक्ट करते हैं होटल या रिजॉर्ट बुक करते समय, ये सारी चीज़ें बहुत ही पास हैं, जैसे फीवा लेक, सनराइज पॉइंट, शॉपिंग हब एंड मैनी मोर सच प्लेसेस. मुझे ना इस रिज़ॉर्ट का गार्डन बहुत पसंद आया. इतना खूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी है, एंड ग्रीनरी देख के ना आँखों को एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है. सो आप देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. नाउ इस रिज़ॉर्ट में रूम्स भी अवेलेबल हैं एंड प्राइवेट हट भी अवेलेबल है, बट आई प्रेफर्ड प्राइवेट हट बिकॉज मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा इनका प्राइवेट हट. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड हाउ ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज दिस इज़. एंड थैंक्स टू माई ब्रदर हु हैज़ रिकमेंडेड दिस प्लेस टू मी. एंड लुक एट हाउ पीसफुली शनाया इज स्लीपिंग हियर. हे शनाया, वेक अप.
So I really loved this room. Everything was so organized and everything was so neat and clean. So yeah, hygiene is the first thing that I look up to while booking for a hotel or resort. तो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था ये बिल्कुल साफ सुथरा. सो आई रियली लाइक दैट एंड आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस प्लेस टू एवरी वन हु इज़ प्लानिंग टू विजिट पोखरा नेपाल. We just reached our hotel. काफ़ी लंबा रास्ता था एंड एज आई वॉज ट्रैवलिंग विद शनाया तो थोड़ा सा शनाया को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था बट देन टू वी मैनेज समहाउ एंड फाइनली हम होटल चेक इन कर चुके हैं एंड इट वॉज़ अ लॉन्ग डे, हेक्टिक डे फॉर अस. तो नाउ अब मैं रेस्ट करूँगी. सो डे टू में हम क्या करने वाले हैं, आई कीप व्लॉगिंग थ्रू आउट डे, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. So it's day two and we are starting our day with Devi's Fall. We have taken our tickets and that costed us around 30 rupees per head, which was pretty good. So come, I'll show you the place, how it looks. सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं एंड हमें बिल्कुल नीचे जाना है इस फॉल को देखने के लिए एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. तो यहाँ पे ना एक विश पॉन्ड भी था और आप देख सकते हो मैं कितने सीरियस तरीके से विश मांग रही हूँ. कैन यू गेस मैंने क्या विश मांगा होगा? बर्ड बर्ड बर्ड. ये देखिए ये जो कॉइन है ये जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गया नहीं एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. एंड एज ऑलवेज आयुष को ना यहाँ पर भी मुझे कॉपी करना था सो ही वेंट अहेड एंड डिड द सेम थिंग एंड मेरा भाई यहाँ पे देख रहा है कि दोनों कर क्या रहे हैं. इजंट इट फनी? सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्लेस दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. दिस इज़ फेवा लेक जो कि पोखरा का एक बहुत ही फेमस लेक है. हम यहाँ से बोट लेंगे एंड इस लेक के उस पार जाएंगे जहाँ बारही देवी का मंदिर है. तो हम वहाँ पे जाके बारही देवी के दर्शन करने वाले हैं एंड लुक एट द व्यू गाइज, दिस इज़ सो सो मेस्मराइजिंग. तो जब मैंने दिल्ली 6 मूवी देखी थी ना मेरा ये करने का बड़ा मन था और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने ये भी ट्राई किया. और गाइस मैंने इसको जानबूझ के स्लो मोशन में कर दिया है ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, है ना? और ये देखिए हमेशा की तरह आयुष ने भी वही किया जो मैंने किया. तो हमने बारही देवी के मंदिर का दर्शन कर लिया है एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है ये. आप देख सकते हो बिल्कुल लेक के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है एंड इट्स वेरी प्रिटी. सो फाइनली आज का डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर. आज का डे वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग. हमने काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करी
एंड शाम होते ही हम यहाँ सारंगकोट आ गए टू वॉच द सनसेट, बिकॉज पोखरा में आए और पोखरा का सनसेट एंड सनराइज नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो यस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमने सनसेट देखा एंड होपफुली हम कल सुबह फिर आएंगे यहाँ पे सनराइज़ देखने, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि पोखरा का सनराइज इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन पोखरा. सो हाउ कैन वी मिस इट? सो होपफुली अगर वेदर ने साथ दिया तो, बिकॉज अभी बारिश शुरू हो चुकी है. तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, मैं डे 3 का अपडेट देती रहूँगी एंड सी या. तो ये है पोखरा का शॉपिंग हब, जो कि हमारे रिजॉर्ट से जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है. और यहाँ पे वुलन स्टाफ एंड हैंडक्राफ्ट चीज़ें बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल थे. सो इट्स डे 3 एंड अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम सब सनराइज़ देखने जा रहे हैं. तो सनराइज़ पॉइंट तक तो हम गाड़ी से जाएंगे, बट वहाँ से पहाड़ों पे हमें खुद ही चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती. सो हियर वी आर एंड द व्यू इज जस्ट सो अमेजिंग गाइस. So we are at the top of Sarangkot, waiting for the sunrise. And ये पीछे आयुष and Shanaya wait कर रहे हैं sunrise का. And it is super super fun. I mean, I'm just loving this height. Hi guys. कैसा लग रहा है? हाय शनाया. हाय शनाया. अगर आपको सनराइज़ देखना है तो आपको यहाँ पे 5 AM पहुँचाना होगा, बिकॉज सनराइज़ का टाइम होता है यहाँ पे 5:30 AM. सो हमने रात को ही गाड़ी बुक कर ली थी एंड वी लेफ्ट आर होटल बाय यू नो 4:45 AM. एंड यहाँ पे हमें पहुँचने में ऑलमोस्ट इट टुक अस अराउंड 25 मिनट्स. एंड यस, हियर वी आर, बिकॉज़ यहाँ सनराइज़ देखने के लिए बहुत भीड़ होती है. आई जस्ट शो यू गाइस, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ सनराइज़ देखने. सो फाइनली हमने सनराइज देख लिया है एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज मेस्मराइजिंग. सुबह सुबह हम सनराइज देखने के एक्साइटमेंट में ऊपर आ तो गए, बट वापस इन सीढ़ियों से नीचे जाना इज लाइक ओ माई गॉड, नींद आ रही है यार. बट आई एम इन लव विद द व्यू.
तो सनराइज पॉइंट से थोड़ा नीचे ये एक पॉइंट था जहाँ हम रुके थे टू हैव आवर मॉर्निंग टी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इन वादियों में बैठ के सुबह की चाय पीना इज सच एन अमेजिंग फीलिंग. And finally, we are checking out from this beautiful, beautiful resort. Now we will go to Manukamna Devi Mandir. वहाँ हम थोड़ा बहुत दर्शन करेंगे and then we'll leave for our home. Manukamna Mandir, and it was so much rush today. This is why I couldn't film the video there because bahut zyada bheed thi and bilkul bhi time nahi mila. We were like jaldi se darshan karke bas nikalna hai yahan se. I must say it is a very beautiful place. I mean, kabhi bhi aap Nepal Pokhara aao, do visit Manukamna Mandir once. It's a very, very pretty place and you are going to love it for sure. Now it's time to go back to home. I hope you guys enjoyed watching this vlog as much as I enjoyed shooting it for you guys. If yes, then hit the like button. इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे नियर एंड डियर वंस के साथ एंड मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. विल सी यू इन माई नेक्स्ट. अंटिल देन, बाय.